border region of Germany and Japan. Germany and Japan, they had joint industries. Slip of the tongue, slip of the tongue. Bilal Bhutto, shaheed hamare saath, shaheed hamare saath hai. Lavange, lavange, Bhutto de naar. Sorry. Kursi ka din hai, kursi ka din hai. Aur hum, salgirah ka din hai. एक ही बस में खड़े हो गए युवा मुखिया। जोशे खिताबत में आकर अक्सर सियासतदानों की जुबानें फिसल जाती हैं। एक जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की फूफो ने अपने ही भतीजे को शहीद कह दिया। बिलावल भुट्टो शहीद, शहीद हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो अपनी ही पार्टी का नारा अब तक भूल गए। लवंगे लवंगे भुट्टो दे नार, लवंगे लवंगे भुट्टो दे नार। सॉरी मेरा मुंह से भी नारा कभी कभी गलत हो जाता है। आसिफ अली जरदारी तो कायद आजम के मिजाज पर जाकर ये भी भूल गए कि वो कौम के बानी की बरसी पर आए हैं या सालगिरह पर। आज बरसी का दिन है, आज बरसी का दिन है और हम सालगिरह का दिन है। पीपल्स पार्टी के लीडर शर्जील मेमन ने इस बात का इकरार कर लिया था कि करप्शन इनकी पार्टी ही करती है। हमेशा धांधली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाती है, धांधली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाती है। शहबाज शरीफ ने तो महमूद अयास को एक ही बस में बिठा दिया। एक ही बस में खड़े हो गए। दूसरी जाने में इनके बड़े भाई ने ये कह दिया कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान तो जुबान का पक्का है। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने वाले खुद तनकीद का निशाना बन गए। वजीर आजम इमरान खान की जुबान फिसलने पर तनकीद करते हुए वहाँ की अपनी जुबान फिसल गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाद इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे, ताहम खुद ही तनकीद का निशाना बन गए। जहाँ इमरान खान ने ईरान में तकरीर करते हुए जर्मनी और जापान की सरहदों को मिलाया, वहीं मुर्तजा वहाब ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए जर्मनी और जापान की बरसगीर में करार दिया। इमरान खान ने जर्मनी और जापान की सरहदों को मिला दिया, जबकि ये दोनों मुख्तलिफ बरसगीर में हैं। जर्मनी यूरोप में है जबकि जापान एशिया में है। ख्याल रहे वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में ईरान का दौरा किया। इस मौके पर इमरान खान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी और जापान की सरहदें आपस में मिलती हैं। इमरान खान के इस बयान को लेकर इन पर बेजा तनकीद की गई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में इमरान खान को यूरोपी मुल्क जर्मनी और एशियाई मुल्क जापान को हमसाया मुल्क करार दिया गया। इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि जितनी ज़्यादा आप याद करेंगे आपके ताल्लुकात उतने ही मजबूत होंगे। जर्मनी और जापान ने लाखों शहरों को हलाक किया। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने फैसला किया कि जापान और जर्मनी की सरहद पर मिलकर सनतें लगाएं और इसके बाद से उनके दरमियान ख़राब तालुकात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनके इक्तसादी मफादात एक हैं। वाज़ह रहे दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और जापान इत्तेहादी थे, जबकि ये दोनों मुल्क एक दूसरे से हज़ारों मील दूर वाक़े हैं।